अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल पर्सन। जी हाँ, इसमें मैं आपको कुछ कैटेगरीज ऐसी बताऊंगा जो कि सक्सेसफुल लोग करते हैं, अनसक्सेसफुल की क्या निशानी होती है। तो इसमें आपको पूरी गाइड मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो लोग दूसरों की कामयाबी पे खुश हुआ करते हैं वो समझ लें कि वो एक सक्सेसफुल पर्संस हैं। जी हाँ, क्योंकि जो लोग दूसरों की कामयाबी पे, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट इंजॉय करते हैं, उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट पे खुश होते हैं, वो समझ लें कि वो आगे जा सकते हैं। इसके बरअक्स जो लोग पसंद नहीं करते किसी की कामयाबी को, किसी के अचीवमेंट को, वो क्या नाम है, इंक्रीज नहीं करते, उसका लेवल इंक्रीज नहीं करते, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज नहीं करते, पार्टीज नहीं करते, पार्टी से मुराद इंजॉय नहीं करते अगले बंदे की अचीवमेंट को, तो वो लोग अनसक्सेसफुल ही रहते हैं सारी जिंदगी। अपनी नाकामयाबी पर दूसरों को कभी ब्लेम मत दें। ये बहुत चीज़ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में अनसक्सेसफुल जो पर्सन्स होते हैं उनमें ये बहुत चीज़ पाई जाती है कि वो अपनी नाकामिया की वजह, अपनी नाकामयाबी की वजह जो होती है वो दूसरों पर डाल देते हैं कि यार फलां की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, उस वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया। हालाँकि इसके बरअक्स जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने ये कैसे किया और मैंने ये क्यों किया, ये कैसे हो गया मेरे साथ, वो सोचते हैं इस बारे में और अपनी गलती को एडमिट करते हैं। नाकामयाब लोग हमेशा अपनी गलतियों के सजा, अपनी गलतियों का बेरा दूसरों पर फोड़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं तीसरी, तो कामयाब लोग हमेशा सीखते रहते हैं, उनका सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। मतलब कि अगर वो एक सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या वो एक फील्ड में है, वो एक फील्ड को सीख रहे हैं या एक किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने के बाद अगर वो किताब ख़त्म हो गई है तो वो एक नई किताब की तलाश में निकलते हैं, वो एक नई किताब तलाश करते हैं जिसे वो पढ़ सकें। तो ये बड़ी अहम सी बात है। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा इल्म सीखने में एक तो बहुत अरसा लगाते हैं और सीखने के बाद वो समझते हैं कि पूरी दुनिया का इल्म उनके पास आ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मजीद करते रहना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ सीखते रहा करें। बिल गेट्स जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी रह चुका है, अब दूसरे नंबर पर वो आता है, वो भी बंदा वीकेंड पे एक किताब पढ़ता है। जिस बंदे के पास एक मिनट का वक्त नहीं होता वो भी वक्त निकाल के कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये बड़ी हमारे लिए सीखने वाली बात है। इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अप्रिशिएट करना किसी की कामयाबी पर बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि अप्रिशिएट करना किसी की कामयाबी पर, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी पर्सनल लाइफ में। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं और जब आप कामयाब होते हैं तो कोई और आपको अप्रिशिएट करता है, दैट इज़ मीन कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर ऊपर जाना शुरू कर देता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जाना ऊपर शुरू कर देता है तो आपकी कामयाबी में मजीद इजाफा होता रहता है। लोगों की बातें करना छोड़ दें। ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों की बातें करना छोड़ दें कि फ़लाँ ने ऐसा किया और उसके साथ ऐसा हुआ, फ़लाँ ने ऐसा किया और उसके साथ ऐसा हुआ। अभी पहले ख़ुद को तो बना लें, पहले ख़ुद तो इतना नाम कर लें कि लोग बदनाम करें। आप पहले से ही आप उन लोगों में से शुमार मत करें कि जो लोगों को बदनाम करते हैं और उन्हें बदनाम करने के बाद या उनको डिस्करेज करने के बाद खुश हुआ करते हैं। जब आप ये चीज़ अडेप्ट कर लेंगे अपने आप पे, अपने पर्सनल लाइफ पे, तो यकीन जानिए आप दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन हैं। पैसा, सक्सेसफुल इंसान के पास अगर पैसा है तो वो ये मत समझे कि वो एक सक्सेसफुल इंसान है। पैसा सक्सेसफुल इंसान नहीं होता। जब आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे कि यार अब मैं ठीक हुआ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, देन दैट इज़ अ डे आप सोचें कि हाँ मैं कामयाब हो चुका, मैं सक्सेसफुल पर्सन।
पैसे से कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, और ना ही पैसे से इज्जत बनाई जा सकती है और ना ही कमाई जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।